क्षेत्र के बच्चों के साथ आपने लेकर आए हैं, तो इस बारे में किस तरह की मुहिम आपने चालू की? देखिए, कोई इसमें कोई मुहिम की बात नहीं है, सिर्फ अपने कहते हैं ना अभाव समाज के आर्थिक तौर पर रहते हुए लोगों को भी वो सब सुविधाएं मिलनी चाहिए जो अग्रणी क्षेत्र के लोगों को मिलती है। तो आज बच्चों के साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए संडे का दिन तय किया गया कि एक अच्छे रेस्टोरेंट में जाके इन सब बच्चों के साथ ब्रेकफास्ट करें। तो कोई मुहिम नहीं है, एक नियमित कार्रवाई है और आगे भी कोशिश करेंगे। हम करते हैं, स्लम के अंदर हम लोग दिवाली मनाते रहे हैं, स्लम के अंदर हम भैया दूज मनाते रहे हैं, रक्षाबंधन मनाते रहे हैं और उनके दुख में दुखी और उनके सुख में सुख का हम लोगों ने वहां पर व्यतीत किया है और करोड़ों रुपए हरियाणा सरकार के उन स्लम के लोगों को सुविधा देने के लिए वहां पर रोड बनाने का काम, उनके लिए जो एक बैरिकेड लगाने का काम, उनको मूलभूत सुविधाएं देने का काम हरियाणा सरकार ने किया। उजाड़ने की बात सोची भी नहीं जा सकती, इतने बड़ी तादाद में हजारों लोगों को जो कि 50 साल से ज्यादा रह रहे हैं हटाने का काम भारतीय जनता पार्टी का नहीं है।